तारीख 14 मार्च 1931, जगह मुंबई का मैजेस्टिक सिनेमा हॉल और दोपहर के 3 बजे थे। एक फिल्म की टिकटें जोरों शोरों से बेची जा रही थी, लेकिन सस्ते में नहीं बल्कि महंगे में। पुरानी फिटिन गाड़ी पर एक आदमी भोंपूले जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुर्दा जिंदा हो गया, नया अजूबा देखो, चलती फिरती नाचती गाती तस्वीरें सिर्फ 4 आने में। ऐसा नहीं था कि भारत में उस समय किसी ने चलती फिरती तस्वीरें नहीं देखी थी। बड़े पर्दे पर एक फिल्म 1913 में पहले रिलीज हो चुकी थी, नाम था राजा हरिश्चंद्र। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ चलती फिरती तस्वीरें ही थी, फिल्म पूरी तरह से मूक थी। लेकिन जिस फिल्म का प्रचार मैजेस्टिक सिनेमा के बाहर किया जा रहा था, उस फिल्म में आवाज थी। प्रचार सुनकर जब सिनेमा के पास लगा हुआ पोस्टर लोगों ने देखा, तो उस पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, आलम आरा, भारत की पहली बोलती हुई फिल्म। इस फिल्म में लोग किरदारों को पर्दे पर बोलते हुए सुन पा रहे थे, गाने के बोल गुनगुनाते हुए सुन पा रहे थे। आलम आरा को लेकर क्रेज इतना ज्यादा कि टिकटों के दाम 2 गुना होने लगे। लोगों ने ब्लैक में फिल्म के टिकट बेचना शुरू कर दिया। मैजेस्टिक सिनेमा के बाहर पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। खैर, आपको नाम आलम आरा से तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो काम भी हम आपके लिए कर देते हैं। बताते हैं आपको आलम आरा फिल्म की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले फिल्म के नाम का मतलब ही समझ लेते हैं। आलम आरा मतलब संसार को सजाने वाला। डायरेक्टर साहब थे अर्देश्वर ईरानी, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस दोनों किया था। ये फिल्म एक पारसी प्ले से प्रेरित थी, जिसका नाम था ऑर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड, जिसे जोसेफ डेविड ने लिखा था। अर्देश्वर ईरानी ने अपनी फिल्म कंपनी 1926 में बनाई थी और इसका नाम रखा था इंपीरियल फिल्म कंपनी। इस कंपनी के लिए उन्होंने पहली फिल्म बनाई वीर अभिमन्यु। फिल्म खूब चली। इसके बाद उन्होंने 1929 में एक विदेशी फिल्म लिखी, फिल्म का नाम था शी बोट। उस बोलती फिल्म ने अर्देश्वर ईरानी को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उन्होंने सोच लिया कि वो भारत में भी ऐसी ही बोलने वाली फिल्म बनाएंगे। और भारत में उस समय तक किसी ने ऐसी बोलती हुई फिल्म बनाई भी नहीं थी। बस ईरानी साहब आलम आरा बनाने में जुट गए। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए कलाकार खोजना शुरू किया और वो उस समय के नामचीन कलाकारों को एक साथ लाने में सफल भी हुए। फिल्म में आलम आरा का किरदार निभाया जुबेदा ने। इन्हें भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री भी कहा जाता है। इनके साथ फिल्म के नायक थे मास्टर विट्ठल, पृथ्वीराज कपूर, सुशीला, जिल्लो, जगदीश सेठी, वजीर मोहम्मद खान, बीबो, एलवी प्रसाद। अब जरा आपको फिल्म की कहानी भी बता देते हैं। फिल्म में एक राजकुमार और बंजारन लड़की की लव स्टोरी को बयान किया गया था। मैं अपने नजरिए से कहूँ तो उस समय उस तरह की कहानी को पर्दे पर दिखाना अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले जो भी फिल्में बन रही थी वो पौराणिक कथाओं पर बनाई जा रही थी। इस लीक से जरा हटकर ड्रामा सस्पेंस से भरी फिल्म जो दर्शकों को बांध कर रख दे, ऐसी फिल्म आलम आरा बिल्कुल थी। खैर, आपको उस जमाने की इस फिल्म का दिलचस्प प्लॉट भी कुछ शब्दों में बता देते हैं। फिल्म में उत्तर प्रदेश के कमरपुर के मुगल बादशाह थे आदिल सुल्तान। इनका किरदार मास्टर विट्ठल ने निभाया था। सुल्तान की 2 बेगमें थी, एक का नाम नवबहार और दूसरी का नाम दिलबहार। दोनों ही बेहद खूबसूरत। नवबहार दया नेकी और धार्मिक किस्म की महिला थी और दूसरी ओर दिलबहार चालाक, तेज तरार और नवबहार से जलन करने वाली महिला थी। अब राजघराना भी था, खूबसूरत बेगमें भी थी, लेकिन सुल्तान को संतान का सुख नहीं मिला था। फकीरों को दान उनकी आवभगत में ही सुल्तान ये मानते थे कि कभी ना कभी उनके घर में भी संतान आ ही जाएगी। फिल्म जब थोड़ी आगे बढ़ती है तो एक फकीर की एंट्री होती है, जो मदरसे के लिए 10,000 दिनार की मांग करता है। दरबार में जैसे ही फकीर आया तो दिलबहार ने उसे ढोंगी समझकर रास्ता बदल लिया, लेकिन नवबहार बेगम ने फकीर को इतनी दिनारे दे दी जितना फकीर ने मांगा था। फकीर चाहते थे कि बेगम की औलाद उन्हें ये दान दे। बेगम ने फकीर को बताया कि उनकी कोई औलाद ही नहीं है। ये सुनते ही फकीर बाबा ने बेगम को कहा कि जाओ, तुम्हारी गोद अब हरी भरी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने बेगम से कहा कि जब उनका शहजादा बालिग हो जाए तो उसे महल के शाही तालाब से मछली का सीना चीर कर उससे निकला हार पहनाया जाए, नहीं तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। कुछ ही समय बाद महल में शहजादे की किलकारियां गूंजती हैं, लेकिन दिलबहार को ये किलकारियां कांटे की तरह चुभ रही थी। दिलबहार ने एक योजना बनाई और महल के सेनापति आदिल के साथ प्रेम संबंध बनाने की कोशिश की। सेनापति का किरदार पृथ्वीराज कपूर ने निभाया था। हालांकि सेनापति ने इस बात से इनकार किया, लेकिन दिलबहार तब भी नहीं मानी। अपने बदले की आग में दिलबहार ने खुद के कपड़े फाड़कर सेनापति पर बलात्कार का आरोप लगा दिया और उसे जेल में बंद करवा दिया। सेनापति की पत्नी और बेटी को भी राज्य से निकलवा दिया जाता है। सेनापति की बेटी का नाम आलम आरा था। आलम आरा की माँ की मौत के बाद वो जंगल में ही एक शिकारी के खेमे में रहती थी, जिसने उसकी माँ की देखभाल की थी। वो शिकारी आलम आरा को एक राज बताता है जब वो बालिग हो जाती है। वो बताता है कि कैसे सुल्तान की बेगम दिलबहार ने उसके पिता को झूठे तरीके से फंसाया और जेल में कैद करवा दिया। उधर शहजादा भी अब बालिग हो चुका था। नवबहार फकीर की बात के मुताबिक महल की मछली
साथी को चीरकर हार निकलवाती है, लेकिन तभी दिलबहार उसे अपने गुप्तचर भेजकर बदलवा देती है। शहजादा जैसे ही वो नकली हार पहनता है वैसे ही मूर्छित हो जाता है। बेगम दिलबहार जब रात को अपना हार गले से उतारती है तो शहजादा जिंदा हो जाता है और शहजादे के सामने उस समय आलम आरा खड़ी होती है। शहजादा उसके प्यार में पड़ जाता है और आलम आरा उसे अपने कैद पिता का सच बताते हैं। अगले ही दिन सुल्तान, शहजादा और बेगम दिलबहार जेल में जाते हैं और दिलबहार खुद ही सारा सच उगल देती है और बाद में सुल्तान, आलम आरा और शहजादा खुशी खुशी रहते हैं। ये थी फिल्म की कहानी, लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि फिल्म के 14 मार्च को रिलीज होने के बाद कुछ ही दिनों में इसकी कमाई कम होने लगी। कारण क्या था? कारण था भगत सिंह की फांसी। 23 मार्च को जब भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी दी गई तब भारत के लोग आजादी की लड़ाई में शामिल होने लगे और उनका फिल्म से ध्यान हटने लगा था। 124 मिनट की इस फिल्म को अर्देशर ईरानी रात में शूट किया करते थे। इसका कारण ये था कि फिल्म के स्टूडियो के पास एक रेलवे ट्रैक था और रात में ये ट्रेनें कम चलती थी, इसलिए इसे रात में शूट किया जाता था ताकि फिल्म का शोर बाहर ना जाए और साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट कोई चोरी ना कर पाए। आवाज की रिकॉर्डिंग के लिए कलाकारों ने माइक्रोफोन जेब में डालकर या फिर कपड़ों में छिपाकर शूटिंग की थी। अर्देशर ईरानी ने इस फिल्म में अपनी लॉटरी के पैसे लगाए थे, यानी सिर्फ 14,000 रुपए से इस फिल्म को बनाया गया था। हालांकि आज इस फिल्म के कोई भी प्रिंट्स मौजूद नहीं है क्योंकि उस समय फिल्म के नेगेटिव ज्यादा दिन चलते ही नहीं थे और ना ही फिल्म को आर्काइव किया जा सकता था और आज भी ये फिल्म तस्वीरों के जरिए ही देखी जा सकती है। इस फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारी को हमने इकट्ठा किया है शिवानंद कामड़े की किताब भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा से और ये पब्लिकेशन है सरस्वती की। शिवानंद कामड़े दुर्ग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं जिन्होंने इस फिल्म की नायिका जुबेदा पर भी एक किताब लिखी है। ऐसे ही और कहानियों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।